गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। स्कूल से आ चुकी हूँ, घर पूरा साफ हो चुका है, चकाचक, और कपड़े भिगो दिए हैं, नहाते समय धो लूँगी। और वेदर बहुत ही अच्छा है, सूरज देवता एकदम खिल के आए हैं, हवा चल रही है लेकिन उतनी भी नहीं, कल जैसी नहीं, हल्की हल्की चल रही है। और ये प्रीतम के पापा क्या लाए हैं, सहजन के फूल। मेरी तो सबसे फेवरेट सब्जी है, मतलब ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये मिलता है बहुत कम, इस सीज़न में मिलता है, 3-4 दिन शायद खा पाते हैं, महंगा भी बहुत होता है। गांव में ये इतना महंगा नहीं होता, तो गांव में ऐसे ही मिल जाता है, पेड़ होते हैं हर घर में तो मिल जाता है, लेकिन हमारे शहर में इसे खरीदना पड़ता है बहुत पैसे देकर। 100 के दाम बोले हैं 30 रुपये। और इधर आगे मैं मछली साफ करने, ये देखो मछली, क्या मछली लाए हैं, सरोल पुटी। सरोल पुटी मछली भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा। और मतलब ये काट के तो देते हैं लेकिन अच्छे से साफ तो नहीं कर पाते, कैसे करेंगे बोलो। इतने सारे मतलब लोग मछली खरीदते हैं, सबके अगर मछली साफ करने लगे तो उनका तो दुकान टूट गया। तो घर लाने के बाद साफ करने की बारी मेरी है, तो अच्छे से ये साफ कर रही हूँ। और ये मछली मेरे बेटे को भी बहुत 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 पसंद है, सचमुच कभी कभी मिलता है, हर दिन मिलता भी नहीं। सरोल पुटी बोलते हैं इसे, सरोल पुटी बहुत टेस्टी होता है। तो चलो इसे साफ करके फिर किचन में रख देती हूँ, और बनाएंगे तो मेरे हस्बैंड जी ही, लेकिन सहजन के फूल जो है वो मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि वो मुझे ही बनाना अच्छा लगता है, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। और मछली प्रीतम के पापा बना ले, कोई बात नहीं। तो चलो हो गया धोना साफ करना। तो जी नहा के आ गई, मछली धोने के बाद नहाना ज़रूरी होता है, इसलिए मछली मैं नहाने से पहले ही धोती हूँ, नहीं तो शरीर से दुर्गंध आता है। और थोड़े से कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, वो भी धो लिए हैं। अभी चलो स्किन केयर की बारी है, मैंने फेस वॉश से साफ किया था स्किन, अभी टोनर लगाया, उसके बाद मॉइस्चराइजर और सीरम एक साथ मिक्स करके लगा रही हूँ। ये मैं रोज़ ही करती हूँ, रोज़ नहाने के बाद, और थोड़ा मसाज भी करना ज़रूरी है। मॉइस्चराइजर को ऐसे ही नहीं लगा लो, थोड़ा अपर डाउन मोस्ट अपर स्ट्रोक में थोड़ा मैसेज करना ज़रूरी है, तो वो कर लेती हूँ इसी टाइम। बार बार तो स्किन केयर की टाइम हमें नहीं मिलता ना, नहाने के बाद एक बार कर लो और रात को सोने से पहले एक बार कर लो, इसी से ही चल जाएगा, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया अभी सिंदूर और बिंदी, बस और क्या चाहिए बोलो, घर में क्या सजना धजना यही। लेकिन हाँ, रील्स बनाऊँगी तब थोड़ी सजूँगी, नहीं तो वो भी अच्छा नहीं लगता, रील्स में थोड़ा सजना भी अच्छा होता है। तो जी जिसका जो काम लगे पड़े हैं लंच बनाने, ये देखो मछली फ्राई हो रही है, सरोल पुटी जो मैंने धोकर रख दिया था नमक हल्दी लगाकर, वो अभी फ्राई कर रहा है, इसकी करी बनेगी। और सहजन के जो फूल है वो मैं पॉपी सीड के साथ बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पॉपी सीड के साथ ही वो अच्छी लगती है, दूसरा कोई मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ पकौड़े भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी सब्जी की ज़रूरत है ना, चावल के साथ खाएंगे, तो आज पॉपी सीड के साथ ही मैं बनाऊंगी। और ये सहजन के फूल बहुत ताकतवर होते हैं बोलते हैं ऐसा, और बहुत पौष्टिक गुण होते हैं, और हमारी बॉडी से जो ख़राब चीज़ें होते हैं वो निकालने की शक्ति रखते हैं, तो ये बहुत ही मतलब बोलो अच्छी एक सब्जी है, लेकिन मिलता कम है इस मौसम में, बोलो ना 3-4 दिन खा लो ये ही बहुत है, बहुत टेस्टी भी होता है ये।
सब्जी मछली करी लगभग बन ही चुकी है। इसमें गया है बैंगन, आलू, थोड़ा सा प्याज, टमाटर और मसाले, अदरक, सिर्फ अदरक दिया है, जीरा, धनिया, ये सब तो हल्दी, ये सब तो है ही। और ये थोड़ी देर उबलने के बाद ही मैं मछली डाल दूंगी तो ये बन के तैयार हो जाएगा। प्रीतम के पापा ने चढ़ा दिया है, लेकिन मछली मुझे देने के लिए बोला है, वो बाहर चले गए। सहजन के फूल तो मैं ही बनाऊंगी, तो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है पॉपी सीड के साथ। पहले तेल में दिया काला जीरा और हरी मिर्च और प्याज, प्याज को ज़्यादा भुनिएगा नहीं, प्याज थोड़ा मतलब थोड़ा भुनने के बाद ही मैं दे दूँगी सहजन के फूल, जो मैंने बॉयल करके पानी झड़ने के लिए रख दिया था साइड में। पानी पूरा झड़ चुका है, अभी दे दिया मैंने इस पर। और प्याज को ज़्यादा भुनोगे तो थोड़ा कड़वा लगेगा, और प्याज को हल्का भुनोगे तो मीठा मीठा लगता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखो पानी छोड़ रहा है, पानी से अच्छे से पानी निचोड़ने के बाद ही मैंने दिया, फिर भी पानी छोड़ रहा है, इसी पानी से पक जाएगा, आपको और पानी डालने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इधर कढ़ी भी बन चुकी है, मछली मैंने डाल दिया। हाँ, फिर ये जब पूरा सूखा सूखा बन जाएगा सहजन के फूल, थोड़ी देर तो आपको बनाना पकाना ही पड़ेगा, उसके बाद एकदम सूखा सूखा ही बन जाएगा, पानी पूरा सूख जाएगा, तब ये पॉपी सीड डाल दूंगी। और पॉपी सीड डालने के बाद 2 मिनट, बहुत ज़्यादा 2 मिनट, अच्छे से चलाओ, बस रेडी, फेवरेट सब्जी रेडी। तो जी लंच लगभग कंप्लीट, मतलब सब्जी और जो मछली बन चुकी है, और चावल चढ़ा दिया है, गरम गरम चावल बनते ही खाने बैठ जाऊंगी, और साथ में बैंगन भी गरम गरम भाजी करूंगी। और 2 काटे हैं क्योंकि प्रीतम तो नहीं खाता बैंगन भाजी, फालतू में बनाना क्यों, तो मेरे लिए और प्रीतम के पापा के लिए एक, तो और क्या, चलो अभी अपना टाइम कुछ रील्स बनाती हो नहीं तो फोन देखती हो, और चावल बनते ही मैं खाने बैठ जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, 12:30 तो बज ही गया है पौने एक, तो चावल बनते ही खाने बैठ जाऊंगी, और क्या। चलो कैसी लग रही हो, हल्का सा मेकअप, काजल, लिपस्टिक और ये चुनरी ऐसे लेकर ही कुछ रील्स बना लूंगी। जब बहुत सजने धजने का मन नहीं होता ना, तब मैं ऐसे ही चीटिंग करती हूँ, लेकिन हाँ फेस तक वीडियो बहुत ही अच्छी आती है, तो बना लो और क्या। और अभी सजने धजने का टाइम भी नहीं है, भूख भी लगी है, चावल बनते ही मैं बोला ना खाने बैठ जाऊंगी, तो सिंपल कैसी लग रही हो। तो जी रील्स बनाना कंप्लीट, अभी प्रीतम के पापा नहा रहे हैं, और सर्दियों में ऐसे धूप में रील्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, गर्मी में जितना बुरा लगता है, अगर बुरा मतलब बनाना ही मुश्किल हो जाता है, टैन पड़ जाता है, 5 मिनट के लिए भी बनाने आओ तो टैन पड़ जाता है। और सर्दियों में बहुत मज़ा आता है यहाँ रील्स बनाना। और मीमी हमसे मिलने आई है, नहाना हो चुका है, और प्रीतम के पापा बाहर नहा रहे हैं आज धूप में बैठ कर। क्या बहुत सारे अलवरा लगाया है, वही बोल रही है, और क्या घर के अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है ऐसे ही बैठी रहूं यहाँ पर धूप पर खटिया पर, और यहीं पर खाना मिल जाए, यहीं पर खा लूं, है ना। तो क्या, चलो गरम गरम बैंगन भाजी बनाती हूँ, फिर थाली सजाती हूँ, फिर खाने बैठ जाती हूँ, और क्या। तो जी थाली सजा लिया है, ये मेरी थाली है, मैं खाने बैठ गई हूँ, प्रीतम के पापा बोले बाद में खाएंगे तो ठीक है। और मुझे तो ये सहजन के फूल से ही आज खाना पसंद है, लग रहा है मैं और कुछ खाऊ ही नहीं। हाँ एक बात बोलना भूल गई, जब मैं बॉयल कर रही थी वो 5 से 10 मिनट तक आप ज़्यादा पानी में बॉयल करना, ताकि इसमें जो कड़वापन होता है वो निकल जाए पानी झड़ने के बाद। और अगर ये नहीं करोगे तो सचमुच सब्जी कड़वी बनेगी और थोड़ा सा भी नहीं खा पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप 5 से 10 मिनट बॉयल कर लो, थोड़ा सा नमक डाल के बस, और बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। तो जी लंच करके मैं सो गई, अभी भी टाइम है प्रीतम के आने में, 1.5 घंटा के करीब टाइम है, 1.5 घंटा, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर तो तूफान आएगा। और घर में जो शांति आपको महसूस हो रही है वो है तूफान के आने से पहले जो शांति होती है, वो वाला, वो आते ही ये शांति भंग,
और इतनी चिल्लम चिल्लाई होगी घर पर, और उसके बाद ही ट्यूशन टीचर आ जाएंगे बस, तब चुपचाप। तो क्या, चलो वो आए फिर आप लोगों से मिलाती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आपकी रानी आप लोगों से मिलने नींद के बाद। ज़्यादा नहीं लेकिन 1 घंटा मैं सोई, और अभी पीतम के पापा को चाय दिया है, ये चाय पी रहे हैं। मैंने सिर्फ पानी पिया है क्योंकि मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा है, लेट से खाई थोड़ी, मेरे लिए तो लेट ही था। और ये जी रहा प्रीतम, पीठा खा रहा है, कल का बनाया हुआ पूठा पीठा, जिद कर रहा है। मैंने बोला मत खाओ कल स्कूल है, लेकिन ये बच्चा तो जानते हो मेरी बात कभी नहीं मानेगा। अब भुगतेगा, अगर कल कुछ हुआ तो भुगतेगा, लेकिन मेरी बात नहीं मानना है, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि माँ तो हर वक्त खराब ही बोलती है, अच्छी तो कुछ बोलती नहीं है ना। आजकल के बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, हम भी सोचते थे माँ को कभी कभी, लेकिन ये बच्चे जो है आजकल के जो है, माँ की सब कुछ बुरी, माँ की बातें बुरी, माँ की सब कुछ बुरी, माँ हट जाए जिंदगी से वही अच्छा है ना। पिता बोलता भी है कभी कभी, चले जाओ यहाँ से। और ये देखो दिन की सब्जी है, दिन में जो जो बनाया था, ये मेरे लिए है चावल थोड़ा सा, और ये सहजन फूल का जो सब्जी था, और ये दूध, और ये रहा आटा, मैंने दिन में ही लगा लिया था, मैं दिन में ही लगा लिया। तो रोटी एकदम फूली फूली बनती है, ये बनाऊंगी मैं उनके खाने के वक्त, आप लोग जानती हो जब वो खाने एकदम बैठेंगे तभी बना के थाली में परोस देती हूँ। और कुछ काम नहीं, अभी शाम को रेस्ट, हाँ एडिटिंग करनी है, थोड़ा एडिटिंग करूंगी, और अगर कुछ कपड़े वगैरह है पार्ट करने तो वो कर लूंगी, बस और कोई काम नहीं है। दिन में बहुत काम होता है, सुबह से उठकर एकदम, आज तो 4 बजे मैं सोने गई, 4 बजे तक टाना काम करो, 4 बजे थोड़ी देर सोई, फिर हाँ 4:45 बजे उठे और ट्यूशन टीचर आए थे उनको चाय दी, फिर सोई थोड़ी देर, ऐसा ही करती हूँ मैं, क्या करे बोलो, एक टाना सो लूँ ये तो बहुत ही मुश्किल से होता है। तो ठीक है, चलो आज का वीडियो मैं पेन करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। तो उम्मीद हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा। दो से मन नहीं भरा, दो ही थे बाकी, तो मैं क्या करूँ, उसका मन नहीं भरा। तुमने खा लिया? एक खाई, हाँ मुझे क्या पता था तुम खाओगे, मैंने चावल खाने के बाद दिन में लंच करने के बाद एक खा लिया था। चलो टाटा।